नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जुलाई 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो नवमी है जो कि आषाढ़ महीने में सोमवार को पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। आषाढ़ महीने में जो सोमवार की नवमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस आषाढ़ सोमवार नवमी के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आषाढ़ सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस सोमवार को गुप्त नवरात्रि नवमी के दिन इस उपाय को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है। चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी डीडीएच रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो चार सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमी पत्र, शमी पत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल, सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना।
इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख ले प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं। जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर मतलब उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेल पत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वो अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना, अगर आप उपाय को कर रहे हो, है ना। क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो भाई आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना, तो दीपक का विशेष महत्व होता है। सोमवार नवमी के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग, अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, है ना। ये जो दीपक आप लोग लोगे, ये आटे का लोगे, जो आटा आप गूंद दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड्ढा हो, है ना। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है, भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, तेल वगैरह नहीं। आज के दिन तो मत डालना, सोमवार नवमी के दिन, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देशी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके ना। बाजार वाला मिलावटी घी डालना ना, भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देशी गाय की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देशी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो, वो भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है, बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है, पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब
पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिव जी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो, है ना। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो हैं पूरी कर लो पहले, उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली इस उपाय को करने में, इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वह चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए, उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है सबसे पहली चीज। अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड्डी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, भाई उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है, और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा। मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में कुछ उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के आपका दिल से शुक्रिया। हर हर महादेव।